हेलो, मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी यहाँ तक पढ़ा लिया था, बट डेटा से वो कनेक्ट नहीं हो पाया तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। चलो मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ। बार रीडिंग पे ज़रा फोकस देना, मैं रीडिंग पे थोड़ा कम दूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, बात कह रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेदर एंड क्लाइमेट। सर क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे वेदर को क्लाइमेट का अफेक्ट करते हैं? आपको पता है सर, दिल्ली को एक बेस ले लो, एक शिमला को बेस ले लो, तो दोनों जगह जो मौसम होता है बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सर ये जो सर ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एक दिन चेंज हुआ है और शिमला में भी एक दिन चेंज हुआ है, नहीं। दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ ईयर से वैसा ही है। पॉल्यूशन को छोड़ रहा हूँ मैं, है ना, पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। शिमला का जो ठंडा एटमोसफेयर है वो भी मिलियंस ऑफ ईयर से वैसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सर एकदम से सडनली क्या हुआ, आगरा में ना एकदम सडनली स्नोफॉल होने लगी एकदम से, क्या हमेशा से ऐसा होता आ रहा है क्या? तो एकदम से हो गई, तो एकदम से हो गई। तो सर जो हमारे एनवायरमेंट एनवायरमेंट में शॉर्ट टर्म चेंजेस जो आते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस, तो उनको बोलते हैं वेदर, कि वेदर चेंज हो रहा है। अगर एनवायरमेंट में शॉर्ट टर्म चेंजेस आते हैं तो हम बोलते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म जैसे कि उससे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से शिमला ठंडा ठंडा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे वहाँ का वेदर ठंडा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आगरा का वेदर गर्म है, नहीं, ये तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसा ही है, तो उसको बोलेंगे कि आगरा का क्लाइमेट ऐसा ही है, शिमला का क्लाइमेट ऐसा ही है। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर का पता क्या, क्लाइमेट इज अबाउट लॉन्ग टर्म, क्लाइमेट इज अबाउट लॉन्ग टर्म, और वेदर इज अबाउट शॉर्ट टर्म, वेदर इज अबाउट शॉर्ट टर्म। ठीक है, बारिश हो रही है, एक दूसरे बारिश होगी तो बोलेंगे वेदर खराब होगा। लेकिन हम बात करें चेरापूंजी की, जहाँ पे दिन भर 360 वो 365 दिन पूरे साल में बारिश होती रहती, तो वहाँ पे थोड़ी ना वेदर खराब हो गया, वहाँ बोलेंगे वो क्लाइमेट ही ऐसा, उनका क्लाइमेट ही ऐसा है। ठीक है, तो कह रहा सर इन हमारे वेदर को, क्लाइमेट को फैक्टर अफेक्ट करने वाले 9 चीजें हैं, इन 9 पैरामीटर से 9 टॉपिक्स हैं ये हमें पढ़ने हैं। जिसमें कह रहे 9 में से ये टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेशर और वेंट्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों है वो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आता है जो हमारे वेदर को, क्लाइमेट को चेंज करता है, तो वो आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, भूल गए हो गए आप? सॉरी, लॉन्ग रोड नहीं, लेटिट्यूड। कुछ ध्यान आ गया लेटिट्यूड क्या होता है? समझ आ गया क्या होते हैं? तो लेटिट्यूड की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है सर लेटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है, लेटिट्यूड हमारे वेदर क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। लेटिट्यूड का तो ये अपने चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम पीछे भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन ये होगा सर ये लेटिट्यूड है, ये हमारे वेदर और क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो वो कह रहा है ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा सन स्फेरिकल है, तो इसी वजह से उसे पड़ने वाली सन रेज सेम नहीं होती, उसका इफेक्ट सेम नहीं होता हर जगह पे अर्थ में। ठीक है, वो तो आपको पता ही है सर, ये सर ऊपर से ये सर सन है। थोड़ा सा लाइन को समझाते हैं, वैसे बहुत ईजी लाइन है, जैसे यहाँ पे बता दूँ ये सन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका अर्थ है।
सर संदेश तो इस साइड ही पड़ेगी, जो ये वाला एरिया यहाँ तक पड़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पड़ जाएगी, यहाँ तक पड़ जाएगी, यहाँ तक पड़ जाएगी, यहाँ तक पड़ जाएगी, पर इस वाले एरिया से आगे तो संदेश जाएगी नहीं, तो रैप नहीं पड़ती है ना, क्योंकि स्फेरिकल शेप है। वेन द संदेश आर वर्टिकल, जब संदेश एकदम वर्टिकल होती है, तो यहाँ पे जब हमारा सन कैसे होता है, बिल्कुल टॉप पे इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे होता है, कोटिलिजन जगह नहीं होती, कोटिलिजन जगह नहीं होती, कुछ तो होती है एकदम ये जगह है ना, तो इसके ऊपर से देखा जाता है, जब इसके ऊपर एकदम से आ जाता है सन, तो वो कहता है उसका एंगल क्या होता है, जब 50 डिग्री नॉर्थ जाओगे तो उसका क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब पोल्स में देखोगे तो पोल्स पर उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री होता है, क्या कहता है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन द इंक्लाइंड एक्सिस कॉज सीजनल वेरिएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन। ये हमने पहले पता कि सर हमारा जो सीजन जो चेंज होते हैं वो किस वजह से होते हैं, आज के रिपॉल होने की वजह से, हम पीरियड शिफ्ट नहीं पढ़ चुके हैं, फिर वो कह रहे हैं दिस ऑल्सो इससे और क्या होता है, दिस ऑल्सो कॉजेज सीजनल वेरिएशन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, इस वजह से इसके घूमने की वजह से हमारे सनलाइट कितनी देर तक अर्थ पर रहेगी, उस पर फर्क पड़ता है, उस पर फर्क पड़ता है। ये तो कहता है 25 दिसंबर से, क्रिसमस वाले दिन से सनलाइट भर जाती है, सनलाइट की ड्यूरेशन भर जाती है, क्यों, क्योंकि तो उस टाइम पे उसकी जो पोजीशन होती है वो अलग होती है, तो वो सीजन वेरिएशन भी मतलब उनकी वजह से ड्यूरेशन भी चेंज होती है सनलाइट की, है ना, उनकी रिवॉल्यूशन की वजह से। फिर कह रहा है वर्टिकल रेज ऑफ द सन पासेस थ्रू द एटमोसफियर एंड व्हेन दे स्ट्राइक द अर्थ सरफेस दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, हिट अ स्मॉल एरिया एंड लीड्स टू हायर टेम्परेचर। स्लैंटिंग रेज, दो तरह की रेज की बात की गई, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ लेना, फिर मैं आपको समझा दूंगा। स्लैंटिंग रेज पास थ्रू मोर एटमोसफियर एंड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया एंड अर्थ सरफेस। वो क्या कह रहे हैं, दो तरह की रेज है, वर्टिकल रेज और स्लैंटिंग रेज। जो वर्टिकल रेज होती है ना वो छोटे रैप पड़ते हैं, अगर छोटे रैप पड़ते हैं छोटे छोटे एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि छोटे एरिया को अफेक्ट करते हैं तो छोटे एरिया को भी गर्म करती हैं, ठीक है, और क्योंकि वो एक ही जगह पर लाइट पड़ती है, बहुत कम जगह पड़ती है, उस जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसी की जगह पे जिसके माकर नाम ज़्यादा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें स्लेंटिंग रेज का, स्लेंटिंग रेज छोटे एरिया पर बड़े एरिया में पड़ती है, तो बड़े एरिया में पड़ती है तो सब हिट बड़े एरिया में करती है, बड़े एरिया को हिट करती है तो सब वो टाइम से थोड़ा डिवाइड हो जाता है हर एरिया में ना, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा कम होता है। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ टेंपरेचर द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड। फिर है धीरे धीरे जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी गिरता जाएगा, है ना, अब वो कह रहे हैं कि मॉस्को का जो एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री है नॉर्थ में, है ना, इज लेस देन दैट ऑफ दिल्ली, इज लेस देन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नॉर्थ में 29 डिग्री है, सिंगापुर में 1 डिग्री, तो वो कह रहा है कंपेयर कर रहा है कि इनसे कम है, कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं एल्टीट्यूड पर, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। एल्टीट्यूड मतलब क्या, वही सर जितना ऊपर हम जाते जाएंगे और टेम्परेचर इतना कम होता जाएगा, ध्यान रखो 167 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है, वो चीज़ बताई गई है। रिलीफ फीचर इन्फ्लुएंस टेम्परेचर मेनी वेज, ठीक है, वन इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल का मीनिंग मैं आपको बता दूँ, हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट 9527 ऊपर है, उसकी पीक जो है वो हाइट पर है, तो सर ये जो हाइट मेजर की मैंने कहाँ से 9527 मेजर किया है, सर जीरो से लेके जो उतना ऊपर का पॉइंट है, जीरो मैंने किस पॉइंट को माना होगा, तो वो जीरो मैंने सी लेवल को माना होगा, वो मैंने जीरो किस लेवल को माना होगा, सी लेवल को, ये नहीं कि मैं ग्राउंड पे आया माउंट के नीचे, तो फिर वहाँ पे मैंने उसको जीरो लिख दिया, फिर ऊपर चढ़ता गया बढ़ाता गया बैठा, नहीं मैं ग्राउंड को जीरो नहीं मानता, सी लेवल को हम जीरो मानते हैं, किसको मानते हैं, सी लेवल को हम जीरो मानते हैं, ठीक है, इसलिए बाबा लिखता था कि एल्टीट्यूड ऑफ सी लेवल, जो भी हम हाइट मेजर करते हैं वो सी लेवल से मेजर की जाती है, ठीक है, और इस हाइट को इसीलिए हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस नॉर्मली एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इनटू बूम 1 डिग्री सेल्सियस पर 160 सेंटीमीटर, या फिर 6 से मल्टीप्लाई आप करके राउंड फिगर बना सकते हो कि 160 सेंटीमीटर का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड ऑफ होकर आपका 1000 आ जाएगा, तो कह 1000 मीटर पे यानी 1 किलोमीटर पे आपका 6 डिग्री ऑलमोस्ट कम हो जाता है, इसी को हम नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट भी कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, इससे पता चलता है
यही रीजन है, इससे आपको पता चलेगा कि क्यों दिल्ली और शिमला में टेम्परेचर है, क्योंकि दिल्ली एक लोअर सरफेस वाले एरिया पर है, शिमला माउंटेन्स के बीच में है, तो माउंटेन्स बहुत ऊपर होते हैं, तो ऊपर का टेम्परेचर इसलिए कम होता ही होता है, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये रीजन है कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना इतना डिफरेंस है। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता क्यों, इसके भी दो रीजन है, इसके भी दो रीजन है। पहला पढ़ते हैं, वन इज दैट द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड फ्रॉम द ग्लोब, मैं समझा दूँ क्या लिखा हुआ है, और दूसरा भी है ना, मैं समझा दूँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेना पॉज करके एक बार। पहला रीजन तो ये है कि जब नीचे उतर नीचे तो नीचे वाला वाली जो लेयर होती है ना, फिर लोअर लेयर जो होती है वो क्या करती है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ना ऑलरेडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, अब गर्म हो जाती है ठीक है, और थोड़ी बहुत जो सनरेज होती है ना उसमें से डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर वगैरह क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे हीट अगर आप अपने अंदर रख लोगे तो फिर वो जगह गर्म हो जाएगी ना, वो तो जगह गर्म हो जाएगी, तो नीचे वाला एरिया से ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे ऊपर हाइट पे जाओगे तो डस्ट पार्टिकल वगैरह ना वो हीट को रिलीज कर देंगे, क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, वाटर वेपर जो है वो हीट को रिलीज कर देगा, तो सर जब वाटर वेपर रिलीज करे तो वहाँ पर ठंडगी हो जाएगी, तो इसलिए सर हाइट पर ठंडा रहता है और नीचे गर्म रहता है। ठीक है, ये पहला रीजन था कि क्यों हाइट पर जाने पर टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो हम जितने जो गर्मी पकड़ी होती है उसको छोड़ देते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हम हवा को ही नहीं अपने पास आने देते, ठंडी ठंडी हवाओं को हम रोक देते हैं, सर ठंडी ठंडी हवा को अगर हम रोक देंगे तो ठंडी ठंडी हवा जिस रीजन में रहेंगी उस रीजन में ठंडक रहेगी, और जिस रीजन में ठंडी ठंडी हवा नहीं आ पाए वो रीजन ठंडा होने से बच जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने लिया हुआ है कि हिमालयस जो है क्या करता है, वो ठंडी ठंडी विंड्स को जो कि सेंट्रल एशिया से नहीं, चाइना बोलो, चाइना की तरफ से, यहाँ पर एग्जाम्पल है चाइना, इसलिए चाइना बोला है, तो सेंट्रल एशिया से जो जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकता है, जिस वजह से इंडिया में थोड़ा सा मेंटेन है, थोड़ा सा मेंटेन रहता है, बल्कि चाइना में तो वो ठंडा को ठंडा ही रहता है। तो एग्जाम्पल ये होगा कि जनवरी में कोलकाता का जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है, 19.4 डिग्री, जबकि चाइना में कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस, तो सर इतना हमारा 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो क्यों, क्योंकि कम क्यों, क्योंकि हमारे जो माउंट है, माउंट हिमालय है, उसने क्या किया उन हवाओं को आने से रोक दिया अपने पास, तो हमारे एनवायरनमेंट ठंडा हो ही नहीं पाया। ठीक है, ये रीज़न है। आप कंटिन्यू करते हैं, पर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, आप पढ़ते हैं। इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर, इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब सर ये क्या कह रहे हैं, उल्टा होता है बेसिकली, यहाँ पर टेम्परेचर का तो बोले इनवर्जन, इनवर्स मतलब उल्टा करना, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, नॉर्मली तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हाइट किस हाइट बढ़ती जाती है, द नॉर्मल लैप्स रेट और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ऑफ हाइट, हाइट अबव दिस लेवल, बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ओके, इन सम एरियाज ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट एंड एटमोसफेयर, सर कभी कभी तो क्या होता है कुछ जगहों पर कुछ टाइम पीरियड में टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको जाना जैसा तो हम नहीं पढ़ाता, ऐसे तो हम नहीं पढ़ाते, हम लेयर्स पढ़ रहे थे बहुत सारी, तो वहाँ पे एक लेयर थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ना, एक लेयर थी है ना, उसमें ऐसे ही हो रहा था, तो शायद मेरे ख्याल से उसी चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, देखते हैं। वो कह रहे हैं दिस इज अ रिवर्सल ऑफ नॉर्मल कंडीशन, इट इज कॉल्ड द इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर, वो कह रहे हैं एक्चुअली इसी को बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन उल्टी हो रही है, इसीलिए इसको इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, तो इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर क्यों कहा, तो उसका रीजन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, सच कंडीशन अकर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो ऐसी कंडीशन केवल विंटर में ही होती है, वो भी लैंड मास पर, वाटर बॉडीज पर नहीं, लैंड मास पर, ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर नाइट्स, लंबी लंबी ठंडी ठंडी रातों में लैंड मास लूज हीट, सो लैंड मास अपने हीट को छोड़ देते हैं वाई रेडिएशन, एम टेम्परेचर डिक्रीज रेपिडली, और टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, हीट छोड़ टेम्परेचर और गिर गया है ना, हम है उसी लेवल पे, हम है उसी लेवल पे, हमने लेवल चेंज नहीं किया, अपना सरफेस चेंज नहीं किया, और टेम्परेचर भी गिर गया, बैठे बैठे सोते सोते हमारे है ना। इन माउंटेन एरियाज, इन माउंटेनियस एरियाज द
द कोल्ड एयर सिंक्स डाउन टू द वैलीज, तो ठंडी हवा होती है वो वैली में बहती है एंड बेसिन्स में बहती है ड्यू टू इट्स ग्रेटर वेट, क्योंकि उसमें बहुत वेट होता है। एंड द अपर लेयर ऑफ एयर रिटेन्स इट्स वार्म्थ, और जो अपर लेयर होती है ना थोड़ी गर्मी होती है, देयर फोर वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाइट से बढ़ता जाता है, और हायर फ्लोर्स एंड समिट्स हैव हायर टेम्परेचर देन द वैली फ्लोर्स। जो वैली वाला एरिया होता है नीचे वाला वहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, और जो ऊपर वाली जो जगह होती है सॉरी ऊपर वाली जो गर्म जगह होती है वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है। नहीं, हायर द स्लोप्स समिट्स हैव हायर टेम्परेचर, हाँ ऊपर वाला एरिया तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर कम गर्मी होती है। जनरली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स, ये जो इन्वर्जन होता है कुछ घंटे ही रहता है, ठीक है ऐसा नहीं पूरे दिन या पूरे महीने रहे, कुछ टाइम है। आफ्टर सनराइज द लैंड लैंड गेट्स हीटेड, सर जैसे सनराइज होता है लैंड दोबारा से गर्म हो जाती है, जैसे यहाँ पर तो उसने अपने हीट को रिलीज कर दिया था, यहाँ पर तो उसने अपने हीट को रिलीज कर दिया, लूज कर दिया लैंड मास में, अब दोबारा से उसने अपनी हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। लैंड गेट्स हीटेड, सर ये तो नॉर्मल लैंड कंडीशन पे आ गया है। एंड इन्वर्जन गेट्स डिसिपेटेड, और सर इन्वर्जन खत्म हो जाता है, इन्वर्जन खत्म हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन फिर से प्रीवेल फिर से कायम रहने लगते हैं, ठीक है। इन्वर्जन में ऑल्सो अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एट हायर लेवल्स, वो द कोल्ड एयर लाइन क्लोज टू द ग्राउंड, ऊपर वाले बात को उन्होंने अलग से दौर से लिख दिया, वो कह रहे हैं कि इन्वर्जन ना ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कि ऊपर वाली जो हवा ऊपर वाले लेयर में गर्म हवा चल रही है और नीचे वाले लेयर में ठंडी हवा, हाँ तो ये तो ऊपर भी लिखा होता है फ्लोर वाले एरिया में वैली वाले एरिया में है ना। सच इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर्स इन हायर लैटिट्यूड, सर ऐसा जो इन्वर्जन होता है वो केवल हायर लैटिट्यूड वाली जगह पर ही होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इन्वर्जन ऑफ दिस काइंड मे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सर इसलिए का इन्वर्जन थोड़े टाइम के चल सकता है देन इन्वर्जन इन माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन वाले से कंपेयर करें तो डिस्टेंस फ्रॉम सी और कॉन्टिनेंटली, लैंड हीट्स एंड कूल्स मोर क्विकली देन वाटर, सर वो कह रहा है पानी से जल्दी ठंडी और गर्म कौन होता होता है लैंड है ना, स्पेसिफिक तो हायर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सर ऐसा इसलिए क्योंकि हीट वाटर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म और ठंडी नहीं हो पाती लेकिन लैंड हो जाती है। दिस रिजल्ट इन ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डेज एंड नाइट इन समर एंड विंटर इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर कंपेयर टू कोस्टल रीजन वेयर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी मॉडरेट्स द टेम्परेचर डे एंड नाइट एंड थ्रू आउट द ईयर, बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कह रहे हैं ये जो ऊपर जो लिखा है ना इसी के शब्द क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर मतलब है कोस्ट एरिया को छोड़ दो, यानी कोस्ट एरिया से वाटर बॉडीज के पास के लिए छोड़ के बिल्कुल सेंटर में आ जाओ शहर के, आप अपने शहर के बिल्कुल सेंटर में आ जाओ जहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, तो वहाँ पर ना आपको डे और नाइट में टेम्परेचर जो थोड़ा ज़्यादा उनकी उसकी जो रेंज है ना वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी है ना समर में और विंटर में एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। सर रेंज ज़्यादा मिलने का मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम, यानी एक्सट्रीम में दोनों एक्सट्रीम में हाई मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ये सच है, आप देखना कोई इंसान जो कोस्टल एरिया में रहता है जैसे बॉम्बे एक सिटी है कोस्टल एरिया में बेस्ड है बेसिकली, तो बॉम्बे वाले लोगों को ठंड लगती नहीं है, हाँ देखो ना तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती, उसका ये हमें पड़ रखा है ठंडी ठंडी हवा सब वहाँ पे जाते हैं फिर वहाँ पे बुआ दे लैंड ब्रीज सी ब्रीज हमें रीजन पड़ रखा है ऐसा क्या होता है। लेकिन जो सर ऐसी जगह जो कोस्ट एरिया में है नहीं वहाँ क्या वहाँ फिर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होते नहीं, तो फिर वहाँ पे सर नॉर्मल टेम्परेचर ही चलता है, तो वही लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी और कॉन्टिनेंटली, अगर आप सी के और कॉन्टिनेंटली के कॉन्टिनेंटलिटी
दूरत्व से वेदर इफेक्ट पड़ता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डायगोनल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर टू आर हाई, मतलब कह रहा है उनकी तो एनुअल रेंज भी देखी है ना, डेली की रेंज भी देखी है, तो वो भी बहुत कम होती है। मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट हैज एन एनुअल रेंज ऑफ 5 डिग्री, 5.6 डिग्री सेल्सियस, वेल नागपुर इन द इंटीरियर हैज एन एनुअल रेंज ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है सर, रेंज मतलब क्या सर? मुंबई के टेम्परेचर में चेंज आता है, तो चेंज इतना आता है, इतना नहीं कितना टेम्परेचर रह जाता है, नहीं इतना टेम्परेचर में चेंज आता है पूरे साल भर में, बस 5 डिग्री, 5.6 डिग्री सेल्सियस। नागपुर जैसे जगह तो 14.8 यानी 14.8 यानी ऑलमोस्ट 15 बोल सकता हूँ, 15, तो ऑलमोस्ट 15 15 डिग्री चेंज हो जाता है टेम्परेचर। इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करेंट्स, सर ओशन करेंट्स यानी ओशन वेव्स का क्या फर्क पड़ता है? When onshore winds blow over a warm current, they pick up moisture from the water vapor and bring more rain to coastal regions. Example of western lies bring plenty of rain to western Europe throughout the year. Winds that blow over a cold current pick up very little water vapor and give little or no rain at all. Example, cold Benguela current along the coastal coast of along the coast of Southwest Africa. The cold current along the coast of California makes that coastal region cooler than normal. यहाँ पे हवा से बात कर रहे हैं। The most striking example of a warm current is the warm Gulf Stream and its continuation called the North Atlantic Drift, which moves across the Atlantic Ocean from Florida towards the Norwegian coast. चलो आगे आते हैं, पहले इधर समझते हैं। ओशन करेंट्स, ओशन के ऊपर जाने वाली हवाएं, ओशन के ऊपर से जाने वाली हवाएं, वो कहते हैं व्हेन ऑनशोर विंड्स ब्लो ओवर अ वार्म करेंट, जब ऑनशोर यानी वाटर बॉडीज के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो गर्म गर्म हवाओं के ऊपर से बहती हैं, तो वो वहां से मॉइस्चर ले लेती हैं, तो वो हवाएं वहां से गलती लेती मॉइस्चर ले लेती हैं एंड ब्रिंग मोर रेन टू कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया में फिर क्या होती है, उसकी वजह से बारिश आती है, सब वेदर चेंज हो गया, नहीं हो गया, हो गया। एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रहा है विंड्स दैट ब्लो ओवर अ कोल्ड करेंट, सर जो हवा ठंडी जगह, जो हवा ठंडे एरिया में बहती है, यहाँ पर लिखा था जो हवा गर्म एरिया में बहती है वार्म है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है अब कोल्ड करेंट में, तो सर गर्म हवा ठंडे एरिया में बहेगी, ठंडी हवा ठंडे एरिया में बहेगी, तो उससे कोई वाटर वेपर नहीं आ पाएगा अपने अंदर, वो अपने अंदर और कोई वाटर वेपर नहीं ला पाएगी, जिस वजह से कोई भी रेन नहीं होती है। तो सर वेदर फिर चेंज हो गया, एक जगह रेन हो रही है, एक जगह रेन नहीं हो रही है, केवल हवाओं की वजह से। एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, फिर वो कह रहा था कोल्ड करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया मेक्स द कोस्टल रीजन कोल्डर देन नॉर्मल, वो कह रहा कोल्ड करंट जो होता है ना वो क्या करता है, एरिया को ठंडा बनाता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ वार्म करंट है, सर वार्म करंट का एग्जाम्पल जानना है तो वो ये याद करने होंगे आपको, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है ना। दिस वार्म करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द विंटर टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जो वार्म करंट होती है सर यही रिस्पॉन्सिबल है कि विंटर में टेम्परेचर को बढ़ा देती है कोस्टल रीजन में है ना। दिस कोस्टल एरियाज हैव अ माइल्ड विंटर, माइल्ड विंटर मतलब कि बहुत हल्का विंटर चेंजेस होता है यहाँ पे, एंड द पोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम आइस, आइस तो वहाँ पर हो ही नहीं सकती पोर्ट्स वाली जगह पे। द कोल्ड करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया मेक्स द कोस्टल रीजन कोल्डर देन नॉर्मल, ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था थोड़े से। विंड्स, विंड्स पढ़ते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स आर दोज विंड्स व्हिच ब्लो मोर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन, सब प्रिवेलिंग विंड्स किसको बोलते हैं? प्रिवेलिंग विंड्स मतलब क्या है, जो करंट जो हावी होती हैं बेसिकली, जो कि फ्रीक्वेंटली जो बार बार एक डायरेक्शन में चलती हैं, एक डायरेक्शन में नहीं एक डायरेक्शन से चलती आती हैं,
विंड्स मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ रीजन ओवर दिस ग्लोब। सर विंड्स जो है वो उस एरिया के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं जिस एरिया के ऊपर बह रही हैं, उड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द एंटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर और फ्रॉम हायर लेटिट्यूड्स लाइक द कोल्ड पोलर विंड्स रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस अलोंग देयर पाथ। अब सपोज को जो जो पोलर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जो हवाएं आ रही हैं वो उनके आसपास के एरिया को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। द कोल्ड विंटर कंडीशंस इन चाइना आर पार्टली ड्यू टू पासेज ऑफ कोल्ड विंड्स। वो कह रहे हैं चाइना में जो आधा जो ठंडा एरिया है ना वो इसी वजह से होता है, इस हवा की वजह से। नॉर्थ वेस्ट ट्रेड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट से भी जो सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया नॉर्थ वेस्ट में भी जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो सारी चीज़ें यही रीज़न है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशन ड्यूरिंग समर, समर में जो ओशन के ऊपर से जो विंड्स आती हैं वो क्या कहते हैं वो और भी आ जाती है टू ऑफ द प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट, है ना, कोस्ट के साथ वो एट टाइम्स भी गिरा देते हैं बिकॉज ओशन से कूलर ओशन ठंडे होते हैं एज अ कम्पेयर टू लैंड मासेस। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन एज एंड एज दे आर ऑन शोर विंड्स, सर अगर दे ऑन शोर विंड्स होते हैं तो ये विंड्स भी आ जाते हैं इनसे, है ना। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लोअर एल्टीट्यूड, सर जो विंड्स बहुत लोअर एल्टीट्यूड पर फ्लो कर रहे हैं वो वार्म होते हैं और जो थोड़ा ऊपर आती हैं वो थोड़ा कम वार्म होते हैं, जो टेम्परेचर कम रहता है वो नॉर्मल लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दली विंड्स आर फेल्ट एज कूल विंड्स, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की करें तो वो वाली विंड ज़्यादा ठंडी होती हैं वाइल सर्दर्न विंड्स आर वार्म विंड्स। इसका भी तो साउथ है ना, साउथ एरिया है लोअर लेवल बना हुआ है लोअर सरफेस पे और जो नॉर्थ वाला है वो अपर सरफेस पे बना हुआ है। लोकल विंड्स एसोसिएटेड विद द पास ऑफ द साइक्लोन सो कॉल सडन चेंजेस इन द टेंपरेचर, सडन चेंज यानी वेदर चेंज होता है। द फोन इज अ हॉट ड्राई विंड, फोन एक हवा का नाम है, इसे हॉट गर्म विंड का नाम है जो कि ब्लो होती है ब्लो डाउन द स्लोप ऑफ एल्स, जो इसने एल्स का स्लोप डाउन कर देता है टुवर्ड्स द वैलीज, है ना। दे ऑफन ब्लो विद द ग्रेट वायलेंस, सर ये जब बहती है हमारे तो ये बकसूर करती हैं। दे ऑफन इन स्प्रिंग दे कॉज द स्नो टू मेल्ट वेरी क्विकली, सर स्प्रिंग में तो क्या करते हैं स्नो को पिघला देती हैं ये, मेकिंग द पास्चर्स अवेलेबल टू द शीप एंड कैटल, एक फील्ड तैयार कर देते हैं। पास्चर मतलब था खेत, पास्चर पास्चर मतलब क्या होता है फील्ड, एक फील्ड तैयार करते हैं शीप और कैटल के लिए आइस को पिघला कर स्नो को पिघला कर। The Chinooks coming down to the Rockies in North America has similar condition. The Loo is an example of how dry. ये Loo तो आपने सुना ही होगा, इंडिया में बहुत चलता है। The Loo is an example of how dry wind. So Loo भी के एक गर्म तरह की हवा का नाम है। Which blows over parts of western UP. हमारी UP में बहुत ये हवा चलती है during summer. Exposure to such hot winds may cause sunstroke. से देखिए ऐसे कभी आप बीमार भी हो सकते हो। मिस्टर एंड बोरा एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड विंड्स, यानी हमने चिनूक पड़ी हवा, लू पड़ी हमने, है ना, द फोन पड़ी हमने, हम पढ़ते मिस्टर एंड बोरा ठंडी ठंडी है ठंडी ठंडी हवा है। ये सर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, है ना, आग में नहीं पड़ता काम पर नहीं है, चलो पढ़ जाऊँ, है ना। एर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड विंड्स विच रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस अलोंग द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ यूरोप, सर ये क्या करें ठंडे ठंडे हवाएं तो ठंडे ठंडे टेम्परेचर करते हुए चलती है, टेम्परेचर गिराते हुए चलती हैं, रास्ते में देते हुए जगह आती हैं। इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के तो सी ब्रीज ब्लोज अलोंग द कोस्ट इन द आफ्टरनून एंड दिस रिड्यूस द टेम्परेचर इन द इवनिंग प्रेजेंट, ये मैंने समझा ना कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे काम करते हैं, ठीक है। क्लाउड्स एंड रेनफॉल, क्लाउड्स एंड रेनफॉल भी किस तरह से वेदर को चेंज करते हैं। ड्यूरिंग द डे क्लाउड्स प्रिवेंट इंसुलेशन फ्रॉम रेसिंग द अर्थ, क्लाउड जो है वो बेसिकली रुकते हैं कि वो अर्थ को सरफेस को टच ना करें। क्लाउड्स ऑल्सो प्रिवेंट द एस्केप ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ड्यूरिंग द नाइट, सर रात में टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है ना वो भी बाहर निकल जाए इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं क्लाउड। क्लियर स्काइज परमिट इंसुलेशन हेडली ड्यूरिंग द डे टाइम, तो सर अगर स्काई साफ है तो सर वो अलाउ करते हैं इंसुलेट होने को, है ना, डे टाइम अलाउ द रैपिड एस्केप ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भागने के लिए में सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द नाइट।
इक्वेटोरियल रीजन्स विच आर क्लाउडी ऑन मेनी डेज एक्सपर्ट एक्सपीरियंस आर डायरेनल रेंज ऑफ लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउडी डेज होते हैं, यहाँ पे हर मोस्टली मोस्ट ऑफ द केस में कर्व्स रहते हैं, तो वहाँ तो चेंजेस आता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम कहीं जाता है। इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट द क्लियर स्काई इज फेवर हाई ड्यू टू डायरेनल चेंज ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस और मोर, 20 से ज़्यादा डिग्री का भी डिफरेंस आ जाता है। वेदर डेज आर वेरी हॉट, जबकि डेज कैसे होते हैं बहुत गर्म होते हैं, नॉट रात बहुत ठंडी ठंडी होती है। स्लोप शेल्टर एंड एस्पेक्ट ऑफ द लैंड, सर यही हमारे एटमोसफेयर को चेंज करते हैं, वेदर को चेंज करते हैं। अनदर इफेक्ट ऑफ लिफ फीचर्स ऑफ द टेम्परेचर इज इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट, दिस रेफर्स टू द एक्सपोजर ऑफ स्लोप। ओहो, एक्सपोजर ऑफ अ स्लोप टू द सन रेज, सन रेज का स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये होता है स्लोप शेल्टर एस्पेक्ट में तीनों चीज़ें हैं। द इफेक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड ऑन द टेम्परेचर स्पेशली स्ट्राइकिंग इन मिडिल एटीट्यूड्स, रिकॉर्डिंग चल रही है डर लगता है तो रिकॉर्ड करते करते मेहनत खराब हो जाती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथ फेसिंग स्लोप्स आर फेसिंग द डायरेक्ट रेज ऑफ सन, साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वार्मर देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स व्हिच लाई इन द शैडो, कितनी अच्छी बात लिखी है। वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड ऑन टेम्परेचर स्पेशली स्ट्राइकिंग द मिडिल एटीट्यूड, मिडिल एटीट्यूड से होते हैं तो स्लोप वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब काम करती है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ जो हवाएं आती हैं वो काफ़ी ठंडी ठंडी होती हैं, आर फेसिंग डायरेक्ट रेज ऑफ सन रेज, वो सन से डायरेक्ट रेज लेती हैं, है ना। और ये जो साउथ फेसिंग जो सी स्लोप्स होती हैं ना एक हद गर्म होते हैं इस कम्पेयर टू नॉर्दर्न फेसिंग स्लोप्स जो कि शेडो में होते हैं, शेडो मतलब माउंटेन के शेडो की बात करते हैं। द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन ऑफ एस्पेक्ट ऑफ स्लोप इज इम्पॉर्टेंट इन द लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज माउंटेन रीजन वगैरह, एस्पेक्ट वगैरह ये रहने वगैरह के लिए मैटर करता है और ज़्यादा बेहतर क्लाइमेट में नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन, इट चेक्स रेडिएशन फ्रॉम द अपर लेयर्स ऑफ सॉइल, पॉजिशन लेजर रेंज ऑफ लेसर रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन फॉरेस्टेड एरियाज एंड डेजर्ट्स, प्रत्येक फॉलीज ऑफ अमेजन जंगल कट्स ऑफ मच ऑफ द इनकमिंग इंसुलेशन कॉजिंग द सेट टेम्परेचर टू बी लोअर देन देयर ऑफ ओपन स्पेसेस। वो कह रहा है कि वेजिटेशन मतलब फॉरेस्टेड एरिया और नॉन विदाउट फॉरेस्टेड एरिया दोनों का टेम्परेचर फ़र्क होता है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है लिखा हुआ सॉइल, लाइट सॉइल जो हल्की सॉइल्स होते हैं रिफ्लेक्ट होंगे वो ज़्यादा हीट कैरी कर पाते हैं एज कम्पेयर टू डार्कर सॉइल, जो डार्कर सॉइल होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, सही रिफ्लेक्ट मोर एंड डार्कर सॉइल विच इज आर बेटर एब्जॉर्बर, ये एब्जॉर्बर होते हैं अच्छी और ये रिफ्लेक्ट करते हैं अच्छी, ठीक है। ये है इस चैप्टर आपको पूरा होमवर्क में, ठीक है।